धम्मौर के दिनेश मिश्रा का शव शनिवार को लगभग 3 बजे के आसपास अमेठी से पोस्टमार्टम के बाद धम्मौर लाया गया। शव आने के बाद काफी देर तक माहौल गर्म रहा। अंततः सुल्तानपुर SP सोमेन वर्मा की सूझबूझ से दिनेश का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के अनुसार सुल्तानपुर में धम्मौर कस्बे के रहने वाले दिनेश कुमार मिश्र पर बैंक में एक महिला से लगभग 50,000 रुपये लेकर फरार होने का आरोप था। मामले की शिकायत पुलिस को मिली थी। गुरुवार की रात अमेठी पुलिस आरोपी दिनेश कुमार मिश्र के घर दबिश देने गई थी। पुलिस ने बताया कि जब युवक ने पुलिस को देखा तो छत के रास्ते से भागने लगा। छत से कूदने पर आरोपी युवक को चोटें आ गई। पुलिस ने इलाज हेतु उसे गौरीगंज जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई।